इंटरनेट का जो सबसे बड़ा ट्रैफिक है वो कुछ अलग वीडियो से आता है, जिस वीडियो को देख के आप एडिक्टेड हो, जिस वीडियो को देखने के बाद आपका तुरंत हैंड प्रैक्टिस करने का मन करता है। ऐसे वीडियो की ट्रैफिक आज के रेशियो में सबसे ज्यादा है। और ऐसे वीडियोस की जो ओरिजिनलिटी होती है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स का है, जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि मैम जिस चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे वीडियोस तो हमने भी देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस तो आपने भी देखे हैं, ऐसे वीडियोस की रियलिटी क्या है, ये जो वीडियोस में दिखाया जाता है इसकी रियलिटी क्या है, क्या सारे वीडियोस गंदे होते हैं, क्या सारे वीडियोस हमारे लिए हार्मफुल होता है, और ऐसे वीडियोस की रियलिटी क्या है, वही आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो तभी इस वीडियो को आगे तक देखो, वरना यहीं पे स्किप कर दो। सबसे पहली बात, ऐसे वीडियोस की जो इंडस्ट्री है, मैक्सिमम मैं नहीं बात कर रही हूं कि सारे वीडियोस हार्मफुल हैं, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं, अगर मैं स्पेशली इंडियन कल्चर की बात करूं जो कि इंडियन कल्चर में क्रिएट किया गया है, वो आपके लिए उतना हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें थोड़ी रियलिटी भी होती है। आप पूछोगे कि आप मैम आपने देखा है, अगर मैं नहीं देखती तो मैं इस पर स्टडी कैसे करती, बट बहुत सारे, बहुत इन द सेंस के मैक्सिमम अगर मैं रेशियो की बात करूं, 90% रेशियो की बात करूं, तो ऐसे वीडियोस माई फ्रेंड उसमें कोई रियलिटी नहीं है। रियल लाइफ के फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी, इंसर्शन, फोर प्ले, आउट प्ले, ये जो होती है ना रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होता है। यानी कि ऐसे वीडियोस में जो सेक्स दिखा जाता है उससे हमारे रियल लाइफ में जो होता है उसकी, उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। नंबर वन, ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना, अच्छा आप एक बात बताओ, आप जब अपने पार्टनर के साथ अपने ही बेडरूम में फिजिकल रिलेशन बनाते हो तो क्या आप उसे कैमरे में कैद करते हो और उसे क्या आप पब्लिकली ऐसे एक्सपोज करते हो? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है आप जो वीडियोस देखते हो उसको कैमरे में शूट किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई डायरेक्टर भी हुआ होगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना वो स्क्रिप्टेड होती है, वो डायरेक्टेड होती है, वो एक डायरेक्शन में चलती है, तभी जाके वैसे वीडियोस शूट होते हैं, उसके लिए अलग से स्टार्स होता है, हम ऐसे स्टार्स को बताते हैं ना, सनी लियोनी की बात करें, बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो ऐसे जो स्टार्स होते हैं ना वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं, डायरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, तब जाके ऐसे वीडियोस बनते हैं। बट जब आप रियल लाइफ में फिजिकल रिलेशन अपने पार्टनर के साथ बनाते हो तो आपका अपना ही डायरेक्शन होता है, आप अपने ही फ्लो में चलते हो, और ना तो ये चीजें स्क्रिप्टेड होती है ना डायरेक्टेड होती है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके उस लेवल पे इरेक्शन नहीं होता, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आता, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसमें वो सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड है, ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। इसमें है लिविजा, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ये ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो अगर आप स्पेशली एनर्जेटिक रहना चाहते हो, ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी आप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। नंबर टू, ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना, आप देखोगे एक चीज कि उसमें थोड़ी सी वल्गरिटी दिखाई जाती है, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा हाइपर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस को आप देखोगे जिसमें ऐसी आवाजें होती है जो कि आपके कानों तक पहुंच गया ना, तो आप तुरंत उसी जगह पे आप बहुत ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हो। जाहिर सी बात है कि ऐसे वीडियोस जो होते हैं ना वो स्मूथ वे से नहीं चलता, उसमें ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ आवाज़ें ऐसी होती है ना जो नॉर्मल नहीं होता। और ऐसी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में आजमाने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड भाग ही जाए, हो सकता है कि आपकी बीवी तलाक दे दे आपको, या फिर हो सकता है कि आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाए। ऐसे वीडियोस में आप जिनको देखते हो वो एक मॉडल होती है, वो एक स्टार होती है। अगर उसके फिगर की बात करो, उसके स्किन टोन की बात करो, कलर की बात करो, बालों की बात करो, हर चीज़ें उस हिसाब से तैयार किया जाता है।
अगर आप अपनी वाइफ को देखो, वो सिंपल है, सोवर है, बालों को ऐसे पोनीटेल करके बांधी रखती है हमेशा, आंखों में काजल भी नहीं लगाती, और आप ऐसे स्टार्स को देखो, और आपकी वाइफ पेट है, हो सकता है कि आपका बच्चा हो गया है तो ब्रेस्ट भी लटक चुकी है, और उनकी फिगर की अगर आप देखो तो एकदम सुडेल पूरी जो बॉडी है वो क्रिएट की हुई है। कुछ चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी से होती है, कुछ वो बहुत ज़्यादा ऐसे उस पर बहुत खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट के कलर की बात करो ना, आप देखोगे ऐसे वीडियोस में जो फीमेल्स की प्राइवेट पार्ट होती है वो एकदम गोरी गोरी, बट ये ओरिजिनल नहीं होता, वो कॉस्मेटिक्स से बनाए जाते हैं, यानी कि मेकअप से हर चीज़ें आप सुधार सकते हो, ये रियलिटी होती है। जबकि हमारा जो लाइफ पार्टनर होता है वो ओरिजिनल होता है, जेन्युइन होता है, और जैसा होता है ना हम उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप कभी भी क्रॉस करके जज मत करना। नेक्स्ट चीज वो है टाइमिंग। अगर आप एक चीज नोटिस करो ना, तो एक जो मूवी होती है, ऐसे जो वीडियोस होते हैं वो शॉर्ट होती है, बट वो शॉर्ट मूवी भी 40 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है, एक घंटे का होता है। आप खुद सोचो कि इंडियन, अगर मैं इंडियन टाइमिंग की बात करूं तो वो मैक्सिमम 15 मिनट का होता है, मैक्सिमम। अगर किसी का डिलेड डिस्चार्ज ना हो तो मैक्सिमम 15 मिनट का, इसके बाद ना लड़का खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। और दूसरी चीज आप इस वीडियो में नोटिस करोगे, रिपीटेशन। आप देखोगे हो सकता है कि एक ही क्लिप को 5 बार 6 बार ऐड करके, मार्च करके, फिर उसको एडिट करके ऐसे वीडियोस को तैयार किया जाता है। क्योंकि मैं खुद एक एडिटर हूँ, मैं अपने वीडियोस को खुद एडिट करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ऐसे वीडियोस कैसे एडिट होती है। और कुछ चीज़ें मैं ऐसे मैंने देखने के बाद ना, फिर मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि ये जो वीडियोस होती है इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। टाइमिंग आप देखोगे कि अरे बाबा, ये जो लड़का था उसने तो 30 मिनट तक किया, मेरा तो 5 मिनट में निकल जाता है। बट एक्चुअली वही ओरिजिनल है, 5 मिनट में अगर आपका निकल जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइम को इंक्रीज करना चाहते हो तो किकल एक्सरसाइज करो, डाइट वगैरह ही करो, चॉप एंड स्क्वीज टेक्निक का अप्लाई करो, ब्रेक दे के फिजिकल एक्शन बनाओ, इससे आपका टाइम बढ़ जाएगा। बट अगर उनके साथ अपने टाइम को कंपेयर करोगे कभी मैचअप नहीं होगा। आप सोचते हो कि ऐसे वीडियोस में जो फिजिकल रिलेशन होता है उसको वो सिखाया जाता है, सेक्स एजुकेशन दिया जाता है, बट अल्टीमेट ये रियलिटी नहीं है। यस, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो कि हम जब प्यूबर्टी एज को क्रॉस करते हैं ना, हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेकर। अगर सामने पॉपअप आ गया तो हम क्लिक करने से अपने आप को नहीं बचा सकते। बट यस, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती है, उस चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि उसी एज में हमें किसी भी चीज़ की लत लग जाती है और हमें वो नहीं लगाना चाहिए, फिर हम उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि वही चीज़ें सही है, जबकि रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। तो अगर आप देखते भी हो ना, तो अगर देखो भी तो सिर्फ फैंटेसी के लिए देखो, मज़े के लिए देखो, या फिर देखना कम कर दो, सिलेक्टेड देखो, यानी कि आप खुद डिसाइड करो कि कौन से टाइप के वीडियोस मुझे देखने हैं, कौन से टाइप के नहीं देखने हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से टाइप के वीडियोस हार्मफुल नहीं होते तो मुझे ज़रूर मेल करके बताना, मैं उसके बारे में भी वीडियो लाऊंगी कि कौन सा वीडियो हार्मफुल नहीं होता। अदरवाइज होपफुली आपको समझ में आया होगा कि रियल लाइफ के फिजिकल रिलेशन में और ऐसे वीडियोस के कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो कि हाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की, तो लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय।